हेलो बाबा, लड़का हुआ। अरे वाह, वेरी गुड। सुनो, लड़का हुआ है, मैं दादा बन गया। बाबू सोनू, बाबू सोनू। अहा, ओ ए बाबू। सागर, देखो मैंने तुम्हारे लिए नया खिलौना लाया है। सागर, सागर, सागर। ये ट्रेन सागर को बहुत पसंद आएगी। इतने सारे खिलौने हैं हमारे पास, लेकिन वो एक भी खिलौने से खेलता नहीं, और आप और एक खिलौना लेके आ गए। सागर बेटा, देखो हेलीकॉप्टर। आओ खेलो मेरे साथ, मेरे पास आओ सागर। सागर, सागर बदमाश है। सागर दिखता ही नहीं है मेरे पास। बच्चे कितना अच्छा खेल रहे हैं ना, लेकिन सागर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। ओ ना, ऐसे ही करता है, उसे किसी के साथ खेलना ही नहीं है। मैंने घर वालों को बहुत समझाया, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जब देखो तब उसे मोबाइल ही चाहिए, किसी के साथ खेलना नहीं, बोलना नहीं। मम्मी जी, रोज मैं उसे गार्डन लेके जाती हूँ, उसकी उम्र के बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, पर उसे उनके साथ खेलना ही नहीं है। ऐसे मत बोलो बहू, बहुत सारे बच्चे 3-4 साल की उम्र तक बात नहीं करते। तुम्हारा पति अनुज ने भी 3 साल तक बात नहीं की थी। बहू तुम खाम का चिंता मत करो। जरा सुनिए ना, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। बोलो। सागर 3 साल का हो गया है, अब तक बात नहीं करता। वो हमें अब तक मम्मी डैडी भी नहीं बोलता। हमारे पड़ोसी का सोहम है ना, वो हमें चाचा चाची करके बुलाता है। उसकी ही उम्र का है वो 3 साल का। सागर कब बात करेगा? मैंने माँ बाबूजी से भी बोला, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, हम लेके जाएंगे उसे डॉक्टर के पास। आइए आइए, प्लीज कम इन। हेलो सर। बैठिए। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है बच्चे का? सागर जाधव। सागर जाधव, कितने साल का है? 2.5 साल। 2.5 साल। क्या प्रॉब्लम हो गई? सर्दी खांसी क्या हुआ? नहीं सर, एक्चुअली हम अलग प्रॉब्लम से आए। सागर अभी तक बात नहीं कर रहा है कुछ भी। अच्छा, बात नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिठाइए। बैठो बैठो ऊपर। हाँ बेटा, इधर देखो, आ करो। अच्छा, कान दिखाओ थोड़ा। अच्छा, खाना वाना ठीक से खाता है? हाँ। और वजन कितना है इसका? वजन लगभग 12-13 किलो रहेगा। 12-13 किलो, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो बात बात करेगा, नेक्स्ट 6 महीने में बात बात करना चालू कर देगा। बस इतना ही है, घर के पास भी कोई भी अच्छा सा प्ले ग्रुप पकड़ के उसमें डाल दो। okay. टेंशन नहीं लेने करेगा ना सर बात? लेकिन अरे बिल्कुल करेगा, 6 महीने में आप बात इतना करेगा कि परेशान कर देगा आपको बात करके। एक्चुअली सर, हम लोग उसे पुकारते हैं सागर करके, तो भी वो रिप्लाई नहीं देता। अभी बच्चे का मूड रहता है, कभी करता है कभी नहीं करता, अभी छोटा है, हो जाएगा। 6 महीने में आप टाइम दीजिए, वो प्ले ग्रुप में डालिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं,
इसी को ज्यादा टेंशन है। डॉक्टर ने सब कुछ मुंह कान नाक सब ठीक है बोले, 6-7 महीनों में बोलना शुरू कर देगा। मैंने बोला था ना तुम हर वक्त चिंता करती रहती हो। मे आई कम इन मैडम? यस। हेलो, व्हाट इज योर नेम? हेलो हेलो मैडम जी, उसे इंग्लिश नहीं आती। ओके ओके। हेलो सागर। सागर हाय। नाम लिया तो देखता नहीं है क्या? घर पर देखता है, पता नहीं अब क्या हुआ। सागर ये क्या है? ये क्या है सागर? ये जनरल ऑब्जेक्ट्स है, एप्पल वगैरह, उसने पहचानना चाहिए। नहीं पता है क्या उसे? नहीं, उतना नहीं पता उसे। बॉडी पार्ट्स भी नहीं पहचानता है क्या? नहीं मैडम जी, वो थोड़ा सा कम बात करता है। ओके, पर बात करता है ना? हाँ, वो हमारी बातें दोहराता है। पापा ने कौन से कलर का शर्ट पहना है? सागर, पापा ने कौन से कलर का शर्ट पहना है? थोड़ा सा डर गया है वो। ओके, डर गया है। इसे क्या कहते हैं सागर? इसे क्या कहते हैं? वो मोबाइल के साथ खेलता है। वो मोबाइल के साथ खेलता है, पर उसे मालूम नहीं कि इसे मोबाइल कहते हैं। देखिए, इस उम्र में उसने जनरल ऑब्जेक्ट्स पहचानना चाहिए, कुछ वर्ड्स उसने बोलना चाहिए। वो ये सब नहीं कर रहा है। सो आई एम वेरी सॉरी। क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, 8 महीने पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा, बात करना नहीं करना, आप कहते हैं कि वो बच्चों के साथ नहीं खेलता, ये सब जानने वाले स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आप कंसल्ट करिए। आप सागर को उनके पास लेकर जाइए। अगर वो बात करने लगा तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट टाइम एडमिशन दूंगी। अब मैं जो देख रही हूँ कि वो आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये होने के कारण मैं अब उसे एडमिशन नहीं दे सकती। देखा ना, मैं इसी बात से डर रही थी। मैं आपको सागर 1.5 साल का था तब से समझा रही थी कुछ प्रॉब्लम है। हम पहले से उसके ऊपर काम करते तो आज सागर को दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में एडमिशन मिल जाता। काश मैं तुम्हारी बात पे पहले गौर कर लेता। मेरा नाम डॉक्टर सुमित शिंदे है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। जो बच्चे एक जगह पर ध्यान नहीं देते, एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं दिखाते, दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। हाय सागर। सागर अच्छा, क्या वो चीजों की तरफ पॉइंटिंग करता है? नहीं करता। ओके। दूसरे बच्चों के साथ खेलता है वो? नहीं, वो सिर्फ मोबाइल पे खेलता है, टीवी देखना उसे पसंद है। अच्छा, मोबाइल खेलने में वो होशियार है, लेकिन जब मोबाइल हाथ में हो और किसी का कॉल आया तो वो उस पर बात करने की कोशिश करता है? नहीं। इसका मतलब मोबाइल का उपयोग वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं करता, वो सिर्फ उसमें से आने वाले म्यूजिक कलर्स
वीडियोस देखना पसंद करता है, राइट? हाँ डॉक्टर। आपको ऐसा लगता है क्या कि उसे सुनाई नहीं देता? नहीं नहीं, क्योंकि सर उसे चॉकलेट रैपर का आवाज सुनाया या फिर चॉकलेट दिखाया तो वो देखता है, उसे लेने के लिए तुरंत आता है। अच्छा, चॉकलेट के रैपर का आवाज आया तो देखता है ना? ये देखो क्या है, सागर गिर गया। ओ सागर इज फॉलिंग डाउन। गेट अप। ओ माय गॉड, ओ यस, हाई फाइव। ओके, पुट इट इनसाइड ग्रीन कलर, नाउ व्हाइट कलर विल गो। गो अहेड। यस, पिंक कलर। पर्पल कलर। मेरी गाड़ी कैसी चलती है? मम्मा, पापा, सागर, मम्मा, पानी। सागर, बाय मम्मा। 80% ब्रेन का विकास पहले 3 सालों में होता है। इसी समय में ब्रेन अलग अलग सेंसरी सिस्टम के माध्यम से बाहर से और बॉडी से आने वाले अनुभव को इंटीग्रेट करता है। यही प्रणाली ब्रेन के हायर फंक्शंस डेवलप करने में मदद करती है। हायर फंक्शंस सच एज स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ओरिएंटेशन, इमोशन, डिसीशन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी डेवलपमेंट सेंसरी इंटीग्रेशन के माध्यम से ही होती है। अगर बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होता है तो हायर फंक्शन डेवलप होने में विलंब होता है। इसी को डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन तो बहुत बच्चों में होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ता है जब हम इसे समझने में देरी करते हैं, और जितना विलंब होगा उतनी ही बच्चों की डेवलपमेंट लेट होगी। समाज में एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस कम होने के कारण आज बहुत सारे माता पिता उनके सागर के डेवलपमेंटल इश्यूज से परेशान है। क्या हम सब मिलकर उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे?